हेलो बच्चों, राधे राधे। कल हमने ग्रेविटेशन का लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट किया था। अब आज हम ग्रेविटेशन में ही आगे चलेंगे लेक्चर नंबर 2 की तरफ। पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या कंप्लीट किया था। कल हमने ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल, ये इतने टॉपिक हमने कल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किए थे। अच्छा बच्चों, मुझे ना कमेंट बॉक्स में आज एक आंसर देना कि अगर सपोज करो मैं दो चीजें एक साथ फ्री फॉल की कंडीशन में एक हाइट से छोड़ता हूं, ठीक है, दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ, सपोज करो एक मार्कर ले लेते हैं और एक की ले लेते हैं, और इन दोनों को एक साथ अगर मैं फ्री फॉल के केस में छोड़ूंगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा? वेरी गुड, ओके। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कैसे सही आंसर दिया है, दोनों साथ में गिरेंगे या कोई की चूंकि भारी होगी तो की पहले गिरेगी या मार्कर पहले गिरेगा, व्हाटएवर, ठीक है। तो मुझे एक कमेंट सेक्शन में आप ये आंसर दे सकते हो। अब हम चलते हैं इसी टॉपिक में आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी टॉपिक में जो है मास एंड वेट के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? मास एंड वेट के बारे में। देखो बच्चों, वैसे तो बोलने में दोनों चीजें लगभग सेम ही लगती हैं। जैसे कोई हमसे पूछता है ना, भाई साहब आपका वेट कितना है, वेट कितना बढ़ गया है, कितना गेन कर लिया, बोलते ना लोग, तो लोग क्या बोलते हैं, बोलते भाई साहब 60 किलो था, 90 किलो पहुंच गया, 30 किलो गेन कर लिया। बट यार एक्चुअल में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे कि नहीं समझ में आया, ठीक है। सो अगर हम मास के बारे में बात करें ना, तो मास के बारे में जो सबसे पहली चीज बोली जाती है तो ये है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। ध्यान से समझो बच्चों क्या बोल रहा हूं, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, इन अ बॉडी, ये क्या कहलाता है, मास कहलाता है। मतलब कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है। जैसा पूछ करो मेरी बॉडी है, ठीक है, थोड़ा पता नहीं, अब आप बताओ पतला हूं या मोटा हूं, बट मेरे में हो सकता है थोड़ा कम मैटर होगा, बट अगर पुराना वाला अदनान सामी उठा लो तो काफी मैटर भरा हुआ है यार, है ना। और किसी को देख लो एग्जांपल में, मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं सो उनकी बॉडी में क्या है, मैटर काफी ज्यादा भरा हुआ है, काफी क्वांटिफाइड मैटर भरा हुआ है, तो दैट इज व्हाट ये उनका मास है। अब बात करते हैं हम वेट के केस में, वेट के केस में क्या होगा, दैट इज फोर्स। याद रखो वेट हमेशा क्या है, वेट एक तरह का फोर्स है, फोर्स बाय विच, ठीक है, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अर्थ attracts any object या body, आप जो लिखना चाहो यहां पे लिख सकते हो, attracts any body or object towards its center, ठीक है। मतलब जो वेट हम बताते हैं टेक्निकली वो हम रॉन्ग बताते हैं, वेट किसे पूछा, वेट ज्यादा 60 kg, हाँ यार जनरल लैंग्वेज में ठीक है बट दैट इज नॉट गुड, ठीक है। तो अगर हम वेट के केस में बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये जो है ना एक फोर्स है, पहली बात तो ये समझने की कोशिश करो, वेट क्या है, आपका एक तरह का फोर्स है, और ये फोर्स काम क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ या किसी की भी तरफ जो लेके जाता है ना, दैट इज व्हाट, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ लेकर के जाता है। जैसे सपोज करो अगर हम, अगर फोर्स है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज एम ए होता है, करेक्ट है ना बच्चों, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, हमने पढ़ा है, और फोर्स को मैंने क्या बोला कि यही हमारा वेट की तरह काम करता है, तो दैट इज W हो गया, यानी W इज इक्वल टू एम ए हो गया, करेक्ट है, समझ में आ रहा है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, और यही हमारा वेट है, फोर्स ही हमारा वेट है, तो फोर्स की जगह पे मैं F की जगह पे W लिख सकते हैं, दैट इज W इज इक्वल टू ma हो गया। लेकिन यार अब यहां पे देखो, अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, करेक्ट है, तो अब यहां पे A की जगह पे क्या लग जाएगा,
एंड जी, करेक्ट है? क्या लग जाएगा? हमने पहले लगाया याद है, इक्वेशन के केस में किया था हमने, हर ए की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया था, जी से रिप्लेस कर दिया था, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी हो गया, क्लियर है? अब अगर इसको बोले कि यार इसका एसआई यूनिट क्या होगी, तो क्या हो जाएगी ग्रेविटी, अगर ये फोर्स है तो दैट इज व्हाट, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी हमेशा न्यूटन होगी, करेक्ट है? यानी कि अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूटन में। मतलब अगर किसी ने गलती से मेरा सपोज करो वेट मास पूछा तो मैं कितना बनूंगा, दैट इज 80 केजी, करेक्ट है? मास मेरा 80 केजी हुआ। अगर वेट पूछ लिया तो मास इनटू एक्सीलरेशन या मास इनटू ग्रेविटी हो जाएगा। ग्रेविटी की वैल्यू हमने पहले पढ़ ली 9.8 है, थोड़ा सा उसको राउंड अप कर लेते हैं, 9.8 पे कैलकुलेशन करने जाएंगे काफी दिमाग खराब होगा, उसको 10 कर लेते हैं। अब अगर गलती से किसी ने मेरा वेट पूछ लिया ना, तो व्हाट आई से, आई से 800, और अगर उसके आगे मैं न्यूटन लगाना भूल गया ना, बवाल हो जाएगा। सोचो जस्ट इमेजिन, कोई मेरा फ्रेंड फोन करके पूछ रहा, बोल रहा और बता बढ़िया चल रहा है, बैठे बैठे कितना वेट गेन कर लिया, और मैं उसको बोल रहा भाई 800 हो गया, बोलेगा 80 से 800 सीधा 720 किलो ज्यादा, अलग लेवल का नहीं है चैलेंज। बट यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज 800 न्यूटन, 800 केजी मत बोल देना, ठीक है? समझ में आया? सो दिस इज व्हाट, ये डिफरेंस है आपका मास एंड वेट में, बेसिक डिफरेंस। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको और ज्यादा इसके डिफरेंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये आप लोग अगर चाहो तो जॉट डाउन कर लो, इसको मैं मिटाने वाला हूं, ठीक है? सो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, एसआई यूनिट केजी होगी। इसकी एसआई यूनिट चुकी है फोर्स है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, करेक्ट है? इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। यार देखो, मास अगर ना मैटर इन अ बॉडी है तो ये क्या होगा, ये ऑलवेज सेम होगा, क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। ऑलवेज सेम होने का मतलब क्या है यार, आप यहां पे बैठे हो तो भी आपका मास कितना है, 80 केजी है। आप माउंट एवरेस्ट पे जाके बैठ जाओ तो भी आपका मास कितना है, 80 केजी है। आप चांद पे जाके बैठ जाओ तो भी आपका मास कितना है, 80 केजी है। बट जैसे ही हमने वेट चेंज किया, वेट के बारे में बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट चेंजेस बाय प्लेस और हाइट। यार अगर मैंने हाइट बढ़ा दी, तो क्या होगा, फोर्स भी ज्यादा अप्लाइड हो जाएगा ना, हमने पढ़ा है ना, तो क्या हो जाएगा प्लेस। अब सपोज करो मैं यहां पे 80 किलो का हूं, या नहीं 80 किलो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, मैं अपने आप को कितना, एक्चुअली मून पे जो है ना वो ग्रेविटी जो है 1/6 है, तो हमारा वेट भी 1/6 रहेगा, 60 किलो मान देता हूं, ठीक है, आसान होगा कैलकुलेशन। सो अगर मैं यहां पर 60 किलो का हूं, और अगर 60 केजी का हूं, ठीक है, यहां पे मैं कितना हूं, 60 केजी का हूं, तो यहां पे मेरा जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 600 न्यूटन हो जाएगा। बट अगर मैं मून पे गया तो यहां यही फोर्स जो है वो 600 न्यूटन नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या, वहां पे 1/6 है, तो कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 न्यूटन का फोर्स रह जाएगा। ये मून का केस हो जाएगा और ये अर्थ का केस हो जाएगा, समझ में आया? मतलब मास मेरा सेम रहेगा बट मैं अपनी बॉडी को वहां पे लाइट फील कर सकूंगा, गॉट इट? चल और आगे बढ़े। अच्छा देखो, मास कभी भी ना जीरो नहीं हो सकता, मास क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। बट वेट यार, हम किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां पे जी की वैल्यू जीरो हो जाए, बहुत सारी जगह ऐसी जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो वहां पे हमारा मास वेट क्या हो जाएगा, वेट कैन बी जीरो, क्योंकि देखो मास इनटू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है ना फॉर्मूला, मैंने अभी तो पढ़ाया था आपको, तो मास को हम जीरो कर नहीं सकते, ये हमने पहले ही डिफाइन कर लिया, इट नेवर बी जीरो। तो हम जीरो किसको कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी को जीरो कर सकते हैं। अगर मेरा जी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्लियर है? समझ में आ रहा बच्चों? चलो
इसी के साथ में ये डिफरेंस का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, मास एंड वेट के बीच का डिफरेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जब थोड़ा ना और आगे चलते हैं आपकी बुक में चैप्टर में, अगला जो है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या है? थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रस्ट के ऊपर, ठीक है? याद रखो थ्रस्ट क्या है, एक तरह का ये भी फोर्स है। क्या है? फोर्स है, बट किस टाइप का फोर्स है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। अब देखो साइन पता है ना, ये किसका साइन है? परपेंडिकुलर। यार मैं आलसी बहुत हुआ तो ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इज कॉल्ड थ्रस्ट, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। जस्ट सपोज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ऐसे भी फोर्स लग रहा है, 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 ठीक है? बट एक फोर्स जो है हमने वो ऐसे लगा के रखा हुआ है। तो ये फोर्स जो है देखो अगर इसका, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि ये परफेक्ट परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स है ये क्या कहलाएगा? ये फोर्स कहलाएगा, ठीक है? थ्रस्ट कहलाएगा ये फोर्स। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। जैसे कि हम बात करेंगे प्रेशर के केस में, आगे बढ़ते हैं इसी को, थ्रस्ट का ये अगला नेक्स्ट वर्जन जो है वो प्रेशर हो जाएगा। कैसे होगा वो समझने की कोशिश करो, ठीक है? प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है? इज कॉल्ड व्हाट? प्रेशर। अब यहां पे अगर मैं प्रेशर को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। एक्चुअली परपेंडिकुलर फोर्स लिखना चाहिए मुझे यहां पे, परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि जो कोई भी फोर्स नहीं, कौन सा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा पर यूनिट एरिया पे, तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रेशर कहलाएगा। जैसे सपोज करो मैंने स्पोर्ट्स शूज बांधे हुए हैं, ठीक है, और मैं आराम से चलता हुआ गया और किसी के पैर पे पैर रख के निकल गया क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसे यार, क्योंकि मेरा जो स्पोर्ट्स शूज है उसका क्या होगा? उसके सोल काफी बड़ी और पर यूनिट एरिया काफी ज्यादा होगा, ठीक है? अब सपोज करो मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है, यहीं पे खत्म हो रही है, क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को गांव में, क्या बोलते हैं, क्या चढ़ाते हैं? बट्टी, ठीक है, चुटकी बुटकी नाटी जो कुछ भी, यार मतलब इसके लिए कमेंट मत मार देना कम हाइट के लोग, जस्ट एक सरकाजम में जोक है यार। अब उसने क्या किया, उसने अपनी हाइट को मेरे बराबर दिखाने के चक्कर में हाई हील की सैंडल पहन ली। वैसे जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो समझ गई होगी, बट ठीक है चलेगा, गाली मत लिख देना। सो उसने क्या किया, उसने हाई हील की पिन वाली सैंडल पहन ली। अब मैं जो है, मैंने स्पोर्ट्स शूज पहने थे, मैं सामने से मंगलदीप के पैर के ऊपर से निकल के गया एंड दैट इज ऑल ओके, मंगलदीप को कुछ नहीं हुआ। बट वही मेरी वो महिला मित्र अगर निकल के गई ना, तो मंगलदीप की आत्मा जो है ना उसके शरीर का साथ छोड़ देगी, है ना यार? वो पिन सैंडल है, और सोचो अगर उसका वजन 40 केजी भी हुआ गुटकी का, तो क्या होगा, कितना फोर्स अप्लाई हो जाएगा, और वो भी थर्स परपेंडिकुलर फोर्स।
करेक्ट है, मंगलदीप चीख उठेगा लिटरली। चल, सो दिस इज व्हाट अच्छा, जब हम इसको और ज्यादा अपडेट करेंगे इस डेफिनेशन को ना थोड़ा सा और अगर अपडेट करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है कि परपेंडिकुलर फोर्स है, हमने परपेंडिकुलर फोर्स को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है किस नाम से, फोर्स के नाम से। तो मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, लिख सकता हूं डायरेक्टली। अच्छा, आप इसको और आगे जाओगे ना ओवर द टाइम क्लासेस में और आगे जाओगे, तो दैट इज जस्ट फोर्स अपॉन एरिया लिख दिया जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो देखो यार, थर्स्ट फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट हमें पता है दैट इज न्यूटन, एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है दैट इज मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर माइनस टू, ये जो है हमारी क्या हो जाएगी एसआई यूनिट हो जाएगी। अच्छा, इसको ना एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था और उनका नाम पास्कल था, ठीक है। तो उसके नाम पे इसकी यूनिट एक और बोली जाती है दैट इज पास्कल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी और स्मॉल ए, दैट इज पी ए से, ठीक है। सो यहां पे आपका प्रेशर एंड फोर्स खत्म होता है, कंप्लीट होता है टॉपिक। अब थोड़ा सा ना इसके हम एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसके एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करता है। उसके पहले एक काम करते हैं, देखते हैं वन पास्कल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वन पास्कल, अब हमें पता है कि वन पास्कल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कि वन न्यूटन फोर्स वन मीटर स्क्वायर एरिया में लगा दिया जाए, यानी कि अगर मैं वन मीटर स्क्वायर एरिया में वन न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दूं, क्या बोला मैंने, अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दूं, तो वो जो प्रेशर होगा वो कितना कहलाएगा, 1 पास्कल कहलाएगा। प्रेशर कितना कहलाएगा, 1 पास्कल कहलाएगा। अब यार देखो, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताता हूं, तुम लोगों ने देखा होगा वो जादूगर या बाबा लोगों को करतब दिखाते हुए, वो क्या करते हैं, वो कील का एक बेड बनाते हैं और उस पर लेट जाते हैं, है ना। अब वो इसमें करते क्या, वो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एक्चुअली फिजिक्स लगा देते हैं यार, मतलब समझ लो आप अपनी लाइफ से साइंस को बाहर निकाल ही नहीं पाओगे, कुछ भी करो हर जगह पे साइंस है आपके। किसी ने एक बार पूछा कि व्हाट इज साइंस, तो बोले क्रेडिट टू ग्रेव यार, मतलब आपके पालने से लेकर के आपकी कब्र तक साइंस ही साइंस है ना। तो चलो बताता हूँ बाबा लोग क्या करते हैं। अब बाबा लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने नजदीक नजदीक कील लगा के रखते हैं, बहुत सारी कील, और उस पे लेटते हैं। अब क्या हुआ कि बहुत सारी कील उन्होंने नजदीक नजदीक लगा दी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपली क्या किया, एरिया बढ़ाया या कम कर दिया, कम कर दिया, बढ़ा दिया एरिया। अब एरिया उन्होंने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया। अब अगर एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। ये देखो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया उन्होंने बढ़ा दिया तो प्रेशर हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यार वो बहुत सारी कीलों के बेड पे लेट सकते हैं, एक कील रखो और बोलो बाबा जी इस पे लेट के देखो बाबा जी के शरीर के आर पार हो जाएगी कील, क्योंकि बेटा हम एरिया उसका काफी ज्यादा कर देते हैं, छोटी छोटी कीलें नजदीक नजदीक लगा के हम एरिया बढ़ा देते हैं, और उसके बाद हम बाबा को उस पे लेटा देते हैं। अब वो क्या हुआ, उनकी बॉडी का जितना एरिया था वो पूरे में डिवाइड हो गया, कंप्लीटली वो डिवाइड हो गया, समझ रहे हो। जैसे आप देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अपना बैग देना, स्कूल बैग देना, बंद करके दे, ये दिख रहा है। अभी देखो ये स्कूल बैग का ये स्ट्रिप कितनी चौड़ी है, अगर सोचो मैं इसकी जगह एक पतली सी स्ट्रिप लगा दूं नायलॉन की, भाई साहब स्कूल से आते आते कंधे कट चुके होंगे, बाजू काम करना बंद कर चुका होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो बच्चों, मतलब ऐसा होगा आप स्कूल गए और घर आते आते आप ठाकुर हो चुके हो यार, सिर्फ कंबल लपेटे हुए हो, काफी बुरा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए बैक की स्ट्रिप को भी क्या कहता है, चौड़ा रखा जाता है ताकि एरिया बढ़ा दिया हमने, अब एरिया बढ़ा दिया क्या हो गया, प्रेशर कम हो जाएगा, तो आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो, करेक्ट है। जैसे अपने टैंक देखे, टैंक में देखो बेल्ट लगी होती है लोहे की, टायर नहीं लगाए जाते, टायर लगा देंगे पता चला कि राजस्थान में वॉर करने के टाइम पे भाई सब टैंक अंदर चली गई यार, है ना, इसलिए बेल्ट लगाई जाती है ताकि वो ट्रैवल कर सके कहीं पे भी।
ट्रैक्टर देखा होगा यार, मोस्ट ऑफ लोग गांव से बिलोंग करते हैं, ट्रैक्टर देखा होगा है ना। ट्रैक्टर में देखो आप पीछे के पहियों का साइज देखा है कभी? देखा है ना, काफी बड़ा होता है, इसलिए वो कहीं नहीं फंसता है ना। आप हो सकता है थार लेके जाओ, थार फंस जाए, पर वो नहीं फंसेगा, वो निकल जाता है। और बड़ी बड़ी गाड़ियां फंसती तो उसको बुलाया जाता है। जेसीबी के टायर देख लो, क्या बोलते हैं जेसीबी, तो कंपनी का नाम है, उसको क्या बोलते हैं? एस्केवेटर है ना। एस्केवेटर्स के टायर देख लो कैसे होते हैं, हाइड्रोलिक टायर देख लो, काफी बड़े टायर होते हैं उनके, ताकि कोई भी चीज फंसी हो कहीं कुछ ऑब्जेक्ट, वो कहीं नहीं फंसते, वो आराम से निकलते हैं। सो कॉन्सेप्ट यही है, क्या है कॉन्सेप्ट, कि हम एरिया को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं एक्सट्रीमली, और प्रेशर उसकी वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैं ट्राई करूंगा, मैं नेक्स्ट देखता हूँ, प्रॉबली नेक्स्ट वीक में मैं कुछ आपके लिए ऐसा प्रैक्टिकल लेकर के आऊंगा जिससे आपको ये समझा सकूं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। सो फिलहाल आपको थियोरेटिकली तो ये समझ में आ गया ना कि कैसे काम कर रहा है ये। हाँ, तो मैं से कोई जाके मेरी वो बुढ़की फ्रेंड को बोल मत देना, पता चला अगले दिन वो लड़ने आ जाए यहाँ पे, ठीक है। मैं बोलूंगी ना। हाँ, मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। मैं कॉल करूंगी। चलो आगे बढ़े।